Starting by the sweetest and greatest name of Almighty Allah, who is the most merciful, is the most beneficent. So today, my topic about unary, it means increment and decrement operator in C programming language. So, acham padenge increment or decrement ya unary operator bhi isko hum kehte hain, theek hai? Matlab C program ke andar, C programming language ke andar hum is operator ko kis tarah istemal kar sakte hain, iska syntax kya hai aur isko hum kis tarah declare karte hain apni programming ke andar. So chalte hain apne topic ki taraf. Main apne compiler ko dobara execute karta hu, jis tarah maine previous video mein def C++ ke andar multiple programs uski structure wagera ko maine proper tarike se declare kiya tha, theek hai? Aaj usi tarah hi main ek source file create karta hu. इसके बाद मैं C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा, ठीक है? जिस तरह मैंने प्रीवियस प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपको डिटेल से पढ़ाए, कोनियो डॉट एच आई एन टी मेन और इसके बाद यहाँ पे गेट सी एच क्लीट. मतलब मैंने C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर अपने लिए डिजाइन किया, ठीक है? इसके बाद इसके अंदर मैं यूज करूंगा हमारे पास जो है यूनरी ऑपरेटर, या इसको हम क्या कह सकते, नॉर्मली इसको हम कहते हैं और इंक्रीमेंट एंड डेक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है? मतलब क्या है कि हम यूनरी ऑपरेटर या इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट ऑपरेटर को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसको हम किस तरह यूज करते हैं. सो आज हम इस लेक्चर के अंदर हम इस चीज को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? सो चलते अपने टॉपिक की तरफ. यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर किया, ठीक है? और ये बात याद रखना है कि इंक्रीमेंट का जो साइन है वो आपके साथ है माइनस माइनस, और डिक्रीमेंट का जो साइन है वो है प्लस प्लस. ये क्या करता है, ये वन वैल्यू को एट और वन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता है. मतलब आपकी वैल्यू से क्या करेगा, वन सॉरी यहां पे इंक्रीमेंट और यहां पे आपके साथ डेक्रीमेंट, तो ये क्या करेगा, एट द वन वैल्यू एंड सब्ट्रैक्ट द वन वैल्यू. मतलब इंक्रीमेंट से एक वैल्यू को एड किया जाएगा वन, वन से ज्यादा नहीं, और सब्ट्रैक्ट में वन वैल्यू को डिक्रीमेंट किया जाएगा, ठीक है? लेकिन हमेशा याद रखना है कि जब एक वैल्यू ऐड होगा या एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा तो वो यूनरी या इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा. अदरवाइज अगर वन से ज्यादा वैल्यू को आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो फिर वो कहलाया जाता है कंपाउंड ऑपरेटर, जो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल से पढ़ा है, ठीक है? यहां पर मैंने एक डेटा टाइप रख दिया इंटीजर, इसके अंदर यहां पर मैंने रख दिया ए बी सी, और सी के अंदर मैंने असाइन किया है 30, ठीक है? मैंने तीन वेरिएबल बनाए ए बी सी के नाम से, सी के अंदर वैल्यू असाइन किया, ए बी के अंदर मैंने वैल्यू को असाइन नहीं किया, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करूंगा और हम देखेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारे पास किस तरह होता है, ठीक है? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में एक बात याद रखना है, इसमें दो किस्म के ऑपरेटर है. एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर, जो वो इस तरह शक्ल में होते हैं प्लस प्लस सी, ठीक है? एंड एक होता है पोस्टफिक्स ऑपरेटर, जो मेरे साथ होता है सी प्लस प्लस, ठीक है ना? मतलब इसमें हमारे पास क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में एक प्रीफिक्स होता है, एक पोस्टफिक्स होता है, ठीक है ना? प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि ये पहली वैल्यू को एड करेगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू में असाइन करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू. और पोस्टफिक्स का मतलब ये कि ये पहली वैल्यू को क्या करेगा, पहली वैल्यू को असाइन करेगा, फिर बाद में इसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है? सो चलते अपने टॉपिक की तरफ. यहां पर मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू सी प्लस प्लस, ये हमारे पास है क्या चीज, ये हमारे पास है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, लेकिन इंक्रीमेंट में फिर आपके साथ है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है? पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट है. और यहां पे मैं प्रिंट एफ लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी फॉरवर्ड स्लैश एन कॉमा ए, ठीक है? फिर यहां पे मैं लिखता हूं प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू
percentage d forward slash n comma c. अब इस प्रोग्राम के अंदर आप लोग देखेंगे पहले क्या होगा, अब a के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं है, ठीक है. तो यहां पर मैंने क्या किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है. प्रीवियस टॉपिक में डिटेल से मैंने पढ़ा है. C++, C के अंदर 30 असाइन है, तो पहले क्या होगा, C की वैल्यू इस A के अंदर असाइन हो जाएगा. तो C का A का वैल्यू बन जाएगा 30, फिर इसके अंदर 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा तो C का वैल्यू बन जाएगा 31. तो अब मैं इस प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करता हूँ. कीबोर्ड से F11 बटन को मैं प्रेस करता हूँ एग्जीक्यूशन एंड कंपाइलेशन के लिए. इसके बाद सी सोर्स फाइल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ यूनरी ऑपरेटर या और इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. इस तरह मैंने इसको सेव किया. तो आफ्टर द सेविंग आप लोग देखेंगे कि हमारी कंपाइलर हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं. आप लोग देख सकते हो मैंने यहां पे ए के अंदर क्या किया, कोई वैल्यू असाइन नहीं किया और सी के अंदर मैंने असाइन किया 30. तो पोस्टफिक्स ऑपरेटर का खासियत ये कि ये पहले क्या करेगा, ये पहले वैल्यू को स्टोर कराएगा, ठीक है ना. मतलब देखो सी की वैल्यू ए में असाइन हो गया तो इसका वैल्यू होगी 30, फिर बाद में इसके अंदर 1 इंक्रीमेंट हो गया तो आपके साथ बन गया 31. तो इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, लेकिन पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट. मतलब ये वो इंक्रीमेंट करता है जो पोस्टफिक्स, मतलब पोस्टफिक्स का मतलब कि इंक्रीमेंट बाद में करते हैं, असाइनमेंट पहला करते हैं. तो इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर. फिर अगर दूसरी बात में यहां पे इसको डिक्लेयर करूं कि b इज इक्वल टू प्लस प्लस c, तो अब यहां पे मैं प्रिंट एफ करता हूं कि द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू परसेंटेज d फॉरवर्ड स्लैश n कॉमा b, और यहां पे लिखता हूं प्रिंट एफ, और मैंने यहां पे लिख दिया कि द वैल्यू ऑफ c is equal to percentage d forward slash n comma c. तो अब इसके अंदर भी मैंने यही स्टेटमेंट यूज किया. इसको मैंने यहां से कॉपी किया है, इसको मैंने यहां से कॉपी किया और इसको मैंने यहां पे पेस्ट किया हुआ है, ठीक है. इसको मैंने यहां पे क्या किया, इसको मैंने यहां पे पेस्ट किया. अब इसके अंदर मैंने जो इंक्रीमेंट यूज किया है वो मैंने यूज किया है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट. अब इसमें क्या होगा, पहले B का जो वैल्यू है इसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा. इंक्रीमेंट का मतलब कि यहां पे अब C का वैल्यू 31 है ना, तो ये 32 इसमें स्टोर हो जाएगा और फिर ये 32 C के अंदर भी अवेलेबल होगा. तो इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि इसमें पहला इंक्रीमेंट होता है फिर बाद में इसके अंदर असाइनमेंट होता है. तो F11 बटन को प्रेस करते हो तो आप लोग देख सकते हो पहला आपका जो है 31 था, तो ये 31 B के अंदर जब स्टोर हुआ तो B में स्टोर होने से पहले इसके अंदर 1 को इंक्रीमेंट किया तो ये 32 इस B में स्टोर हो गया और फिर 32 जो है वो आपकी C के अंदर जो है वो फिर डिक्लेयर हो गया, ठीक है. तो आपने देख लिया कि पोस्टफिक्स में क्या होता है, पोस्टफिक्स में एक वैल्यू बाद में ऐड होता है, पहले असाइन होता है, और प्रीफिक्स में ये होता है कि पहले आपके साथ ऐड होगा फिर बाद में जो है ये वैल्यू असाइन होगा, ठीक है. इसी प्रोग्राम को दोबारा मैं डिजाइन करता हूं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए. मैंने इसको यहां से इसको कॉपी किया सब प्रोग्राम को, और प्रोग्राम को कॉपी करने के बाद यहां पे डबल एंटर और यहां पे पेस्ट किया. अब इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए डिक्लेयर करता हूं. यहां पे मेरे पास इंक्रीमेंट था, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको डिक्रीमेंट करूंगा. अब डिक्रीमेंट में किस तरह करूंगा तो आप लोग देखेंगे, ये मेरे साथ इंक्रीमेंट था, अब यहां पर मैं लिखूंगा डेक्रीमेंट लेकिन पोस्टफिक्स डेक्रीमेंट. अब यहां पे मैं लिख दूंगा माइनस माइनस, और यहां पे भी मैं लिख दूंगा डेक्रीमेंट और ये पोस्टफिक्स डेक्रीमेंट, और यहां पे मैं लिख दूंगा माइनस माइनस. जिस तरह इंक्रीमेंट हुआ है इस तरह डेक्रीमेंट भी होगा. पहले ए की जो वैल्यू, सी की जो वैल्यू है वो ए में असाइन हो जाएगा, ठीक है. अगर ए में असाइन करना चाहते हो, बी में असाइन करना चाहते हो तो आप यहां पे कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने बी में असाइन किया ताकि आप लोगों में, आप लोग इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, या दोनों के अंदर भी आप उसमें असाइन कर सकते हो, ठीक है. तो अब यहाँ पे ए के अंदर असाइन होगी या फिर बी और सी के अंदर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे असाइन हुआ है, ठीक है. जब भी मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हो पहले जो यहां पर वैल्यू असाइन था सी के अंदर, ये 32 था, फिर ये 32 पहले आपके साथ ए में स्टोर हो गया, फिर इसके बाद इससे 1 माइनस हो गया. फिर जब मैंने पोस्ट प्रीफिक्स को यूज किया हुआ है तो प्रीफिक्स में पहले सी की वैल्यू से 1 को डिक्रीमेंट किया और फिर बी में स्टोर हो गया और फिर सी के अंदर भी वो वैल्यू
स्टोर हो गया। तो ये हमारे पास था, हमारे पास यूनरी या इसको हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम किसी एक वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, किसी एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम इसमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने डिटेल से एक प्रोग्राम की शक्ल में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की शक्ल में यहाँ पर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि इसका समझ आप लोगों को आई होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारी जो है नई लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट।